गुड मॉर्निंग दोस्तों, टुडे इन द वेजिटेबल साइंस आई एम गोइंग टू टीच यू क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का वर्गीकरण। सब्जियों के वर्गीकरण के हमें क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि विश्व में लगभग 247 वनस्पतियाँ जो हैं सब्जियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं, तथा भारत में लगभग 150 प्रकार की वनस्पतियाँ सब्जियों के रूप में देश के विभिन्न भागों में प्रयोग में लाई जाती हैं, तथा इनमें से 50 का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो हम सब्जियों का वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि अलग अलग अध्ययन करने में दिक्कत होती है हमें सब्जियों के बारे में। तो सब्जियों को कुछ समूह में बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड करेक्टर, तथा उनको उगाने की दृष्टि और अध्ययन के दृष्टि से कई समूहों में बांट दिया जाता है। तो हमें उनके बारे में, समूह के बारे में अध्ययन करने में तथा उनको उगाने में आसान होता है, तो इसलिए सब्जियों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें किन्हीं विशेष, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किन्हीं विशेष गुणों अथवा लक्षणों के आधार पर किन्हीं इकाइयों यूनिट्स को एक समूह में रखना वर्गीकरण कहलाता है। या इस तरह से भी इसे कह सकते हैं, किसी वस्तु का समान गुण धर्म के आधार पर उनको विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। समान गुण अकॉर्डिंग टू द सेम करेक्टर दे आर क्लासिफाइड इन टू क्लासिफाइड। सो इससे हमें समान गुण धर्म वाली वस्तुओं के विषय में अलग अलग जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अलग अलग विभिन्न सब्जियों के बारे में न पढ़ के हम एक ग्रुप के बारे में अध्ययन कर लेते तो हमें आसानी से उनके बारे में जानकारी हो जाती है। अध्ययन और गाने की दृष्टि से सब्जियों का वर्गीकरण निम्न है, जैसे कि नंबर एक है वनस्पति वर्गीकरण, बोटैनिकल क्लासिफिकेशन। यह वर्गीकरण वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। इसमें सब्जियों का वर्गीकरण पौधों के कुल फैमिली वंश जेनस स्पीसीज सब स्पीसीज और बोटैनिकल प्रजातियों के गुणों के आधार पर किया जाता है। पूरा जो हमारा प्लांट किंगडम है, जो हमारा पौधों का राज्य है एक, उसको हम दो सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। द होल प्लांट किंगडम इज डिवाइड इनटू टू सब ग्रुप्स, दैट इज फोर सब ग्रुप्स, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पिटिडियोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। द वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर कम इन स्पर्मोफाइटा सब ग्रुप। जितनी भी सब्जियां हैं विश्व में जो उगाई जाती हैं वो किस उपसमुदाय के आती हैं? स्पर्मोफाइटा समुदाय के अंतर्गत आती हैं। अब स्पर्मोफाइटा उपसमुदाय को हम दो क्लास वर्ग में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो हमारा वर्ग है इसमें कोई सब्जी नहीं आती, नॉन वेजिटेबल कम अंडर दिस क्लास। एंड द होल ऑफ द वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियां हैं वो किस वर्ग में आती हैं? एंजियोस्पर्म वर्ग में आती हैं। और तत्पश्चात, इसके पश्चात हम एंजियोस्पर्म वर्ग को दो श्रेणियों में बांट देते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं, एक बीजपत्री पौधे मोनोकॉटिलेडोनी वेजिटेबल्स हैं, द्विबीजपत्री पौधे तथा डाइकॉटिलेडोनी वेजिटेबल्स। इन दोनों श्रेणी जो श्रेणी है हमारी, एक बीजपत्री पौधे तथा द्विबीजपत्री पौधे, इनको आगे इनका विभाजन कुल फैमिली वंश जेनस स्पीसीज तथा वेराइटीज में किया जाता है। ये बोटैनिकल क्लासिफिकेशन, इस हिसाब से जो समान गुण वाली सब्जियां हैं उनको अकॉर्डिंग टू अध्ययन की दृष्टि से हम इन फैमिली जेनस स्पीसीज और वेराइटीज में बांट देते हैं, तो इसे हमें अध्यापन में आसानी होती है। नेक्स्ट आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी सब्जियां किस फैमिली को बिलोंग करती हैं और किस उनका जेनस स्पीसीज क्या है तथा उनका
गुणसूत्र नंबर वगैरह क्रोमोसोम नंबर क्या है, ये दिस इज द पार्ट वन व्हिच आई एम टीचिंग यू। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।